उत्तराखंड में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बहुत जल्दी यहां पोलिंग होने वाली है, जहां जनता तय करेगी कि आखिर उनका प्रतिनिधि कौन होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि हरिद्वार में, जहां पर हम हर की पौड़ी के ऊपर बने पुल पर मौजूद हैं। ये वो धार्मिक नगरी कही जाती है, भगवान शिव की नगरी कही जाती है हरिद्वार, साहित्य की नगरी कही जाती है और साथ ही साथ संतों की नगरी भी कही जाती है। तो तमाम तरह के यहाँ लोग मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो किसकी किस्मत का फैसला करेंगे, किस पार्टी का यहाँ पर ज़्यादा दबदबा है और कौन सी पार्टी से लोग परेशान हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनके समाधान हैं। तो तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, जिनमें कुछ बाहर के आए हुए पर्यटक भी हैं तो कुछ दुकानदार भी हैं। उनसे सबसे जानेंगे कि आखिर देवभूमि हरिद्वार में कौन सी पार्टी है, कौन अपना किस्मत, जो पार्टी हैं किस्मत दांव पे लगी है और कौन इनका प्रतिनिधि हो। सबसे पहले इनके पास चलते हैं। बाबू जी बताएं क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं, शहर पूरे शहर में समस्या है जी। कहीं नाले खुद रहे हैं, कहीं सड़क खुद रही है, कहीं कुछ हो रहा है, फोर लाइन पे बहुत ज़्यादा समस्या है। और जिसकी भी सरकार आएगी तो भाजपा की सरकार आएगी तो अच्छा रहेगा, बाकी तो हरीश रावत जी की सरकार डुबो दिया सारे देश को। अच्छा, आप किस तरह का समाधान चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर में विकास हो जी, अच्छा काम हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा नल में पानी हो, अच्छा हमारी गंगा मैया साफ सुथरी हो, इस तरह का हमारी सोच है। गंगा मैया अविरल रहे और हमेशा पवित्र जल बहता रहे, ये इनकी मांग है। लेकिन आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने गंगा के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया। ढाई साल में कितने काम हुए? ढाई साल में तो अभी काम ही नहीं हुए गंगा में तो। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, इससे नहीं हम सहमत, क्योंकि जितने नाले सारे गंगा में आ रहे हैं। हमारे इधर उत्तरी हरिद्वार से देख लीजिए, फुल नाले सीधे गंगा में। तो फिर किस पे विश्वास है आपको, कौन सी पार्टी इसका समाधान कर सकती है? समाधान तो यही करेगी, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा, समाधान तो इसी सरकार में होना है। देखिए, पहले हमारे एक शख्स से बात हुई, उनका कहना है कि गंगा अविरल रहे, गंगा में पवित्र जल बहता रहे, यही इनकी सबसे पहली मांग है और इस काम को बीजेपी कर सकती है, ये भी इनका कहना है। बीजेपी पे विश्वास है और कहते हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो शायद उद्धार होगा। भैया, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं? जिस तरह से आप, अब इलेक्शंस आ रहे हैं, वोटिंग होने वाली है, आपकी कोई समस्याएं हैं? नो सर, हमारे कोई समस्या ही नहीं है। क्या चाहते हैं, हरिद्वार कैसा बने? जैसा सही है हरिद्वार, कोई कुछ तो करता ही नहीं यहाँ पर, खाली अपना भी बोलते वगैरह, कुछ तो कोई बोलता करता ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं, क्या काम होने चाहिए हरिद्वार में? बहुत से काम होने चाहिए यहाँ पर, सारे काम रुके पड़े हैं। रोड अभी बनवाई थी, सारी टूट चुकी है, बारिश के वक्त आप जानते हो सब कुछ जी। राष्ट्रपति आया था, रोड रातों रात बनवाई, कच्ची रोडें बनी वो वगैरह वगैरह, तो यहाँ तो सारे कच्चे काम आते हैं होते दिखाने के लिए। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। इनकी तो खैर ये कहना था कि ये सड़कों की मांग को लेकर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं। कोई बड़ा वीआईपी आता है तो सड़कें बना दी जाती हैं, रातों रात सड़कें हो जाती हैं अच्छी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो सड़कें टूट जाती हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हरिद्वार के रहने वाले हैं जी? भैया, किस तरह की समस्याएं हरिद्वार में आप देखते हैं? हरिद्वार में भैया देखो, आपके सामने सारी समस्याएं हैं। बारिश आ जाती है तो बारिश के साथ साथ ये सारा पानी, ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, सारा ये गंदगी दिखाई दे रही है। मैं भी अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार पैन करके दिखाएं कि ये शहर का सबसे व्यस्तम चौक है कह सकते हैं, और हर की पौड़ी के जस्ट ऊपर वाली जगह है जहां पर पत्थर तो लगा है लेकिन उस पे जगह जगह पानी भरा हुआ है, जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आप क्या चाहते हैं? भैया ये चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था बनी रहे, नगर निगम को, मनोज गर्ग जी को इस चीज़ का एहसास हो कि यहाँ पे जितनी भी गंदगी हो रही है, यात्री मेन हर की पैड़ी की मेन जगह है ये जी, मेन जगह होने के बाद भी यहाँ कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो हम यही कहना चाहेंगे नगर निगम से कि अपने आदमी जितने भी उनके कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ पे बढ़ाएं, बढ़ाने के साथ साथ ये सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि इससे क्या है कि हमारे हरिद्वार का नाम गंदा होता है। जितने भी यात्री लोग आ रहे हैं, यात्री लोगों को क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हर की पैड़ी पर गंदगी हो रखी है। बिल्कुल, हर की पैड़ी पर गंदगी है, ये एक बड़ा मुद्दा है इनके लिए। चलिए, बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर जी, निम्बाड़ा राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए आप हरिद्वार? हरिद्वार आए हैं, क्या कुछ देखते हैं, कैसी तस्वीर आपके दिमाग में हरिद्वार की है? गंदगी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई माकूल व्यवस्था नहीं है, पानी आने के बाद भी इतना पानी इधर भरा है, इतना कीचड़ इधर है, हर जगह लूटामारी है यहाँ पे। अच्छा, तो आप क्या समाधान चाहते हैं इसका? प्रशासन ध्यान दे इन बातों पर। खैर, आप राजस्थान के, और राजस्थान में इस वक्त चुनाव नहीं होने हैं, सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव हैं। गोवा और पंजाब में पहले ही वोट डाले जा चुके हैं, किस्मत का फैसला एक तरह से हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन अभी भी यूपी है, मणिपुर है, और इसके अलावा और भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी चुनाव होने हैं। आप हरिद्वार के रहने वाले हैं? नहीं, आप यूपी से आए हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ से आए हैं,
यूपी में आप अलीगढ़ से आए हैं, कैसा माहौल है? माहौल तो है, चुनाव अगर चुनाव को देखते हुए किसका जोर है, कैसी हवा बह रही है? मोदी जी की हवा बह रही है। अच्छा, उधर मोदी जी की हवा है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है उससे क्या कुछ कहना है आपका? हरीश रावत की सरकार है फिलहाल कांग्रेस की, मोदी की सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, मोदी की सरकार चाहते हैं। और यूपी में? यूपी में भी मोदी की। अच्छा, तो मिलेगी। जैसे आप यूपी से यहाँ आए हरिद्वार में, किस तरह का माहौल देखते हैं? हरिद्वार में अच्छे पढ़ने के टहलने के लिए आए हैं, वहाँ क्या करना है? नहीं, अगर बात करें सियासी माहौल की तो कैसा माहौल लगा आपको ये? सियासी माहौल के लिए तो अभी कुछ वैसा है, हल्का ज़्यादा प्रगति चाहिए वैसी नहीं है साथ साथ। तो यूपी से आए कह रहे हैं जैसी प्रगति होनी चाहिए, फिलहाल ऐसी प्रगति नहीं है क्योंकि माहौल थोड़ा सा खराब है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है, तमाम चीज़ों का एक अभाव पड़ा हुआ है। और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं जो यहाँ के लोकल वेंडर्स हैं, उनकी परेशानियाँ जानते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंडित जी के पास चलते हैं, पंडित जी जानते हैं कि क्योंकि ये अक्सर हर की पौड़ी पे इसी मंदिर में मौजूद होते हैं, इनसे जानते हैं कैसा माहौल है, कैसा समीकरण है और क्या कुछ चाहिए। पंडित जी सबसे पहले तो आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी जानना चाहते हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में, चुनाव के बारे में तो मैं जानता नहीं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप जहां बैठते हैं क्या आप इस जगह से बिल्कुल संतुष्ट हैं? यहां व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी चल रही है, फिर भी चार प्रचार चल रहा है जी। कांग्रेस का भी अच्छा प्रचार चल रहा है, बीजेपी का भी अच्छा प्रचार चल रहा है। अगर पर्सनली आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी पार्टी गवर्नमेंट यहाँ चाहते हैं तो क्या जवाब है? नहीं, हम तो खैर ये नहीं कहना चाहते कि कौन सी पार्टी का है, किसकी पार्टी का है। जो अच्छा करेगा, जो देश का भला करेगा, उसको ही जनता सपोर्ट करेगी। अच्छा, रोज तमाम लोग आपके पास आते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, किस तरह की हवा बह रही है, क्या इशारा करती है ये? नहीं, अभी तो फिलहाल अभी थोड़ा अच्छा स्लो चल रहा है, अभी थोड़ा धीरे धीरे जैसे। तो हवा क्या बताती है, बीजेपी की तरफ रुझान ज्यादा है लोगों को या कांग्रेस की तरफ? सर, उसके बारे में तो मैं खैर इतना नहीं जानना चाहता कि कांग्रेस है या बीजेपी है, जो भी आया। मतलब पंडित जी इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते, सियासत जाए अलग, लेकिन ये अपनी जगह पर काबिज रहे, ये है। कुछ कैमरामैन भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग हैं जो बाहर से पर्यटक आते हैं, उन्हें कैमरा से फोटो निकाल कर देते हैं और यही इनका रोजगार है। भैया, इसके अलावा आप क्या करते हैं? और कुछ नहीं काम करते हम, कैमरे के अलावा। आपका कैमरे का काम है जी सर, जो पर्यटक आते हैं उनका फोटो खींच के उन्हें हाथों हाथ कॉपी देते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का हरिद्वार बने? अच्छा बने, बढ़िया बने, यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए पूरी। अच्छा, हाँ, तो अभी जो गवर्नमेंट है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, ठीक चल रहा सारा। अच्छा, आगे चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट बदले या फिर यही दोबारा से आ जाए? नहीं, नरेंद्र मोदी आनी चाहिए अब दोबारा, उनका अच्छा है हिसाब किताब हर जगह से देखा। क्या आप जानते हैं कि यहाँ से बीजेपी का कौन कैंडिडेट खड़ा है इस वक्त हरिद्वार से? हाँ, कौन? मदन कौशिक। आप नहीं जानते थे? नहीं, मदन कौशिक ध्यान में से निकल गया। चलिए, देखिए रुझान इसे कहते हैं, पीएम मोदी की लहर है और पीएम मोदी के नाम पे ये कह रहे हैं कि हम तो पीएम मोदी आने चाहिए, चाहे वो बीजेपी से है। बीजेपी से कौन कैंडिडेट है शायद इन्हें नहीं पता, लेकिन पीएम मोदी की सरकार बने तो शायद हरिद्वार का उद्धार हो जाए, ये इनका कहना है। कुछ और लोगों से ही बात करते हैं जो बाहर से आए हैं, पर्यटक हैं, दोबारा वापस रुक करते हैं हर की पौड़ी का। फिलहाल अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दूर तक का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाए कि हर की पौड़ी का कितना विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, जहां तमाम दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु मौजूद हैं। गंगा में पावन डुबकी लगाई जा रही है और इसके अलावा ऊपर एक दृश्य दिखाएंगे जहां से मनसा देवी मंदिर के भी आप यहां दर्शन कर सकते हैं। और अब लौटते हैं, बात हो रही है चुनाव की और सियासी समीकरण की, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, आप हरिद्वार के रहने वाले हैं? जी नहीं। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं जी। हरिद्वार में कैसी व्यवस्था लगी आपको? मैं बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। क्या चाहते हैं, जो हरिद्वार में सरकार है वही रहे, कुछ बदलाव होने चाहिए? कुछ तो बदलाव होनी चाहिए सर। जैसे कि पहले का सरकार ने कुछ क्या किया नहीं किया तो हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ के हैं नहीं, लेकिन पहले से बेटर लग रहा है मुझे अभी। पहले आ चुका हूँ मैं, उससे पहले अच्छा। कितने साल बाद आए हैं? मैं 5 साल बाद आया हूँ। चलिए, 5 साल बाद आए और 5 साल में अच्छा हुआ है, यानी कि एक वोट पक्का जाता है कि कांग्रेस की तरफ इनका रुझान, इनका कहना है कि जो सरकार है उसने अच्छे काम किए, 5 साल बाद आया हूँ तो काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। कुछ और लोगों को पकड़ते हैं, शायद इनसे बात करते हैं, ये कुछ बताएं। हाँ जी भैया, आप क्या यही भेजते हैं यहाँ पे? अच्छा, हरिद्वार के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो जो आप यहाँ पे काम काज हो रहा है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं आप? अरे अभी तो वही मंदा चल रहा है, देखो मंदा चल रहा है। कौन तेजी लाएगा?
अब तेजी का तो पता नहीं है, जो कुर्सी में बैठ जाएगा वही तेजी लाएगा महाराज। जो कुर्सी में बैठ जाए तो अभी तो कुर्सी खाली कहाँ है, कुर्सी भी तो अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो वोटिंग से पता चलेगी हरिद्वार की बहुत। तो किसका रुझान लगता है अभी तो किसी का कुछ नहीं कह सकते। जब पर्सनली आप किसे वोट करेंगे? अब देखो ये जब बटन अंदर दबाएंगे किसी को बता नहीं सकते ना, तो सरप्राइज होता है। तो अच्छा सरप्राइज है। चलिए देखिए आज का वोटर कितना समझदार है, ये आप देख सकते हैं कि तस्वीर बेचने वाले लोग भी कहते हैं कि ये तो सरप्राइज है, और हम अपना सरप्राइज सिर्फ जो बैलेट बॉक्स होगा, जो ईवीएम मशीन होगी उसके अंदर कैद कर देंगे, जो कि इनके जो नेता है उनकी किस्मत का फैसला करेगा। तो हरिद्वार से आपने देखा किस तरह का मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। कुछ लोग 5 साल में हुए काम से बेहद खुश हैं, तो कुछ की शिकायतों की लंबी सूची है। उनका कहना यह है कि सरकार बदलेगी तभी शायद देवभूमि का उद्धार होगा। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि 15 तारीख को यहाँ इलेक्शन होना है, और आखिर किसकी किस्मत का फैसला करती है यहाँ की जनता, और हरिद्वार की गद्दी पर कौन होगा काबिज, कौन बनेगा यहाँ का उत्तराधिकारी। कैमरामैन कमलेश कमल के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी से गौरव सिंह, कोबरापोस्ट के लिए।